हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए एक प्रोफेशनल टेक्स्ट लोगो बनाना। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सेल ऐप। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अब वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना। तो आपको सबसे पहले पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले टेक्स्ट ऐड करना है। ये लिखा हुआ है, इस पर डबल टैप करना है और आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, आपका अकाउंट का जो भी नेम है, जो भी आप शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये टेक्स्ट लिखने के बाद हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो आपको ये एक आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। तो इस पर टैप करना है, तो यहाँ से आप बहुत सारे फॉन्ट्स, अलग अलग तरह के स्टाइल में फॉन्ट्स हैं, आप कोई सा भी फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट चेंज कर दिया इसका हमने। इसके बाद फ्रेंड्स, इसको हमें सेव करना है पीएनजी में। तो आपको ये आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना है, उसके बैकग्राउंड को हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो इस पर टैप करना है, तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट बन चुका है। इसके बाद हमें इसको सेव कर देना है। तो आपको ये सेव करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना है और इसको हम सेव कर देंगे, वेरी हाई क्वालिटी में सेव कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है। ये सेव कर दिया, इसके बाद आपको ये एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना है और इस टेक्स्ट को हमें डिलीट कर देना है। तो आपको ये डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, अब हमने जो टेक्स्ट पीएनजी सेव किया था उसे ऐड करना है। तो आपको ये प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, फ्रॉम गैलरी, इस पर टैप करना है और उसी टेक्स्ट को ऐड करना है। ठीक है, इसे ऐड करना है। तो ठीक है, इसे ऐड कर लिया हमने। इसके बाद हमें इसकी कॉपी करेंगे। तो आपको ये आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना है और यहाँ से आपको ये कॉपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेंगे। तो ये डबल हो गया। इसके बाद फ्रेंड, हमें इसका कलर चेंज करना है, जो जिसको हमने कॉपी किया था उसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर स्वाइप करना है, यहाँ से आपको कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना है और इसको अनेबल कर देना है। तो यहाँ से आप कोई सा भी कलर इसका चेंज कर सकते हैं, तो मैं ब्लैक यूज़ करूँगा। इसके बाद राइट कर देना है। इसके बाद हमें इसको क्रॉप करना है। तो आपको ये क्रॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना है और यहाँ से इसको आधा क्रॉप करना है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स, आप जब बनाओगे आपको बहुत आसान लगेगा। इसको आधा क्रॉप कर लिया, इसके बाद राइट कर देना है। इसके बाद इसके ऊपर बड़े ध्यान से पेस्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह फ्रेंड्स पेस्ट कर दिया मैंने। आप देख सकते हैं हमारा लोगो कितना अच्छा लग रहा है, हमारा टेक्स्ट। इसके बाद फ्रेंड्स, इन दोनों को हमें मर्ज कर देना है। तो आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना है और यहाँ से इस पर क्लिक करके इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे, ताकि ये एक साथ चिपक जाए। इन दोनों को राइट करके इसी पर क्लिक करना है, तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों मर्ज हो गए। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें इनके ऊपर स्ट्रोक लगाना है। तो आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पर आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर टैप करना है और इसको अनेबल कर देना है। ठीक है, यहाँ से आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं, लेकिन मैं ब्लैक कलर यूज़ करूँगा, जो अच्छा लगेगा देखने में। उसके स्ट्रोक की हम वेथ को 6 कर देंगे, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद राइट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा लोगो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स, हम नीचे लेबल लगाएंगे, जैसे आपका प्रोफाइल, आप जो इंस्टाग्राम का आपका पेज है, किसके बारे में, या मोटिवेशनल के बारे में या फोटोग्राफी के बारे में, तो आप नीचे यहाँ पे अपना नाम जो भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, मैं नीचे आप अपना लेबल लगाऊंगा। तो आपको ये प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना है और यहाँ से टेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद डबल टैप करना है, यहाँ से आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं यहाँ से लिख सकते हैं। तो मैं फोटोग्राफी लिखूँगा। इसके बाद इसके अंदर बीच के अंदर इसके बाद हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। तो आपको ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना है, इसके फॉन्ट्स को हम, ठीक है, यहाँ से हम फॉन्ट चेंज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसके अंदर बीच में स्पेस देंगे, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो ये आपको स्पेसिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना है और इस हिसाब से इसके बीच में स्पेस देंगे।
ठीक है, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद राइट कर देना है। इसके बाद इसके पीछे हम बैकग्राउंड देंगे जो देखने में बहुत अच्छा लगेगा, तो बैकग्राउंड पे क्लिक करना, इसको अनेबल कर देना। और यहाँ से आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे कलर हैं। इसके बाद राइट कर देना। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा लोगो कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स इसके पीछे हम शेप ऐड करेंगे, राउंड शेप ऐड करेंगे। तो आपको ये प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना और शेप पे क्लिक करना। इसके बाद इसकी रेडियस को हमें 100 कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको ऊपर स्वाइप करना, इसकी स्ट्रोक को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी ब्लर रेडियस को हम 7 कर देंगे। इसके बाद राइट कर देना। इसके बाद इसके ऊपर इसको एडजस्ट करना, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह एडजस्ट करना है और यहाँ से इस पर क्लिक करना है और इसको टू बैक कर देना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो कितना अच्छा लग रहा है। इसको कैसे एडजस्ट करेंगे हम, तो फ्रेंड्स ये हमारा लोगो बनके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, आप कोई सा भी कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसे PNG में सेव करना चाहते हो तो आपको ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना है, इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसके बाद आपको ये सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना है। यहाँ से आप अल्ट्रा में इसको सेव करना है ताकि हमारा लोगो फुल HD में सेव हो जाए। तो फ्रेंड्स इस तरह आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए एक प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।